रुक जा, राजपाट तक तो सीमित है। अच्छा, लेकिन बहू के लिए अगर ज्यादा ही जरूरत है तो पटेल साहब बैठे हैं, उनको जरूरत है। अच्छा अच्छा, हाँ पटेल साहब को जरूरत है बहू की। बहू तो मिलेगी, तुझे ही मिलेगी, नहीं वरना किसी को नहीं मिलेगी। कहो क्या कहना है, सुनिए मेरी बात। हो तने राजपाट और बहू मिले, हो मने साधु तंग मेरी बात सुन ले राजकुमारी। हाँ? आप ये आप तंग मत हो। अच्छा, एक कोई सुतरा राज कवार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करती है, जिसको भगवान ने दो पैर सही सलामत, दो हाथ सही सलामत दिए हो, उसे कहीं भी करके खाने की जरूरत होती है, ना कि भीख मांगने की जरूरत पड़ती है। ये तो साधु संत महात्मा है, सभी के दो हाथ दो पैर होते हैं। हाँ। लेकिन कर्म तो अलग अलग होते हैं। अच्छा, हाँ कहिए क्या कहना आपको। सुने मेरी बात, चला शासन पे मेरा दो रोटी का, मेरा दो रोटी का चुन सफर करूं थोड़े से राशन पे, मेरा दो रोटी का चुन सफर करूं थोड़े से राशन पे, तेरी टहल करूं बाबा तू सर के सिंहासन पे, मन तीन लोक का, अरे तीन लोक का, अच्छा तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन नहीं देती। अच्छा, हाँ और किसे शोभा देती है?
राम नाम से तूने बंधे हमारे बहुत अच्छे शिष्य हैं। अच्छा हाँ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। कौन सी बात है कि आपके बिना मुझे ये संसार बिल्कुल सूना सूना लगता है। बिल्कुल लगेगा, जब तुमने 1700 योगियों का कत्ल कर दिया। हाँ। हमारी ट्रक यूनियन वो भी 500 रुपए से हमारी टीम के लिए आशीर्वाद देती हैं, भाई उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं साथियों। राजकुमारी हाँ। आपने 1700 योगियों का कत्ल कर दिया। हाँ। और फिर भी कहती है कि ये दुनिया मुझे सूना सूना नजर आती है। हमारे बड़े भाई जब्बू पटेल जी बड़ा आशीर्वाद सम्मान देते हैं, 1100 रुपए से हमारी टीम के लिए आशीर्वाद देते हैं, भाई जोरदार ताली बजाएं साथियों, बहुत बधाई करते हैं। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और संत जी हाँ, जो सच्चे आशिक हुआ करते हैं हाँ, जो सच्चा प्यार करा करते हैं हाँ, उन्हें इस दुनिया में अपने प्यार के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन हम सच्चा प्यार करते नहीं, हम केवल सच्ची भक्ति करते हैं। अच्छा हाँ, तूने 1700 जोगी मारे हैं, बेशक मेरा कत्ल कर दे लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। आप उनमें से तो नहीं हो हाँ।
उनमें से किनमें से जो वो साधु हैं, कौन से? बाबा आसाराम और रामपाल। मेरी बात सुनिए, अगर मैं आसाराम का चेला होता या रामपाल जी का शिष्य होता, अच्छा, तो अब तक तू इतने जोर से चिल्ला रही है, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती तेरे को। अच्छा, मैं तो एक ऐसे संत का शिष्य हूँ। किसके? कि जिनके ना जाने कितने डेरे, ना जाने कितने शिष्य हैं, जिन्होंने आज भारत देश में जगह जगह जाकर के अलग जगाया है, इस समाज के लिए एक नया दिशा उन्होंने तय करी है, उस महान संत का मैं शिष्य हूँ। कौन है आपके गुरु? मेरे गुरु गोरखनाथ हैं। ओहो हो, हाँ, आप तो बहुत बड़े संत हैं, उनके हाँ, शिष्य हो। बिल्कुल, लेकिन मैं आपके गुरुजी को भी मना लूंगी। नहीं मानेंगे। अच्छा, भस्म कर देंगे। सुनिए मेरी बात। कहिए जाकर जाते हैं। जोगी मारे है कोई ऐसी बना सहेली, सत्रह सो जोगी मारे कोई ऐसी बना सहेली, पश्चाताप करो जीवन भरे रचवा साथ हथेली, मैं कान पड़ा के ब्याह करवाऊ मूड नहीं एक थेली। अच्छा? मैं कान पड़ा के ब्याह करवाऊ मूड नहीं एक थेली, परखे यो मस्ती मलंग का।